नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। उम्मीद हम किससे लगाते हैं? उससे लगाते हैं जिससे उम्मीद पूरी होने की संभावना हो। हम उम्मीद लगाते हैं भगवान से। इंसान तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, तो वो दूसरों को क्या देगा। इंसान धोखेबाज हो सकता है, मौका परस्त हो सकता है, इंसान मतलबी हो सकता है, इंसान कुछ भी हो सकता है, लेकिन भगवान सिर्फ मेहरबान होता है अपने भक्तों पर, अपने चाहने वालों पर, क्योंकि उसने ही आपको इस धरती पर भेजा है, उसने ही आपको इस धरती पर जीने का तरीका सिखाया है और वही आपको रास्ता दिखाएगा आगे बढ़ने का। एक इंसान को कुछ नहीं पता होता है, उसको ये भी नहीं पता है कि कल की सुबह वो देखेगा कि नहीं देखेगा, उसको तो ये भी नहीं पता, लेकिन भगवान सब जानता है। और भगवान ये भी जानता है कि मार्च के महीने में आपको आपकी राशि को कैसे सुख देना है। भगवान ने कुछ सफलता के संकेत आपके लिए बनाए हैं, इन संकेतों पर चलकर आप सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। ये शुभ संकेत हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर की कृपा जहाँ पर हो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज होती है, शुभ फलों की प्राप्ति, क्योंकि ईश्वर कभी भी आपको धोखा नहीं देते हैं। धोखा देना इंसान की फितरत है, भगवान की फितरत नहीं है। और भगवान के इन शुभ संकेतों पर जो चलेंगे उनके लिए लाभ के रास्ते मार्च 2022 में जरूर खुलेंगे। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए कौन से हैं वो शुभ संकेत जो आपको सफलता देंगे, ग्रह नक्षत्र किस प्रकार से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ग्रहों का समीकरण क्या बनता है मार्च के महीने में आपकी राशि के लिए। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए होगी। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी करें। आइए शुभारंभ करते हैं सफलता के उन 5 संकेतों को जो खास आपकी राशि के लिए तैयार किए हैं ईश्वर ने और बनाया है ग्रह सितारों ने। माहौल आपके लिए क्या है, शुभ माहौल जानेंगे आपकी राशि का। आपकी राशि के लिए पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा बुध और शुक्र की युति के कारण। ये युति श्री लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेगी। 1 और 6 तारीख के मध्य में आपको लाभ ही लाभ होंगे। आप विवाहित हैं तो जीवन साथी का साथ प्राप्त करेंगे, जीवन साथी से चल रही तकलीफों से मुक्ति पाएंगे, खुद के लड़ाई झगड़ों से मुक्ति पाएंगे। अविवाहित हैं तो जीवन साथी का सुख प्राप्त करने में आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी। आपके जीवन साथी की तरक्की होगी, आपकी तरक्की होगी, घर में धन दौलत आएगी, धन वैभव की वृद्धि होगी, पारिवारिक स्तर ऊंचा उठेगा। यह योग सुख और सौभाग्य को बढ़ाने वाला होगा। आप विद्वान होंगे, धनी होंगे, कला के क्षेत्र में माहिर होंगे, आप रोमांटिक होंगे, फिल्मी दुनिया सोशल मीडिया में छाए रहेंगे, आपके अंदर काबिलियत होगी कि आप अपना नाम बना सकें, पैसा कमा सकें। आपके लिए यह वक्त बहुत ही बेहतरी से सजा हुआ है। इन 5 संकेतों में से पहला संकेत आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है, पूरा पूरा लाभ उठाइएगा और आगे बढ़ते चले जाइएगा। दूसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब शुक्र ग्रह सप्तम भाव में रहेंगे, आपके लिए वैवाहिक जीवन को बहुत ही शानदार बनाएंगे। कुंवारे हैं तो जीवन साथी के मिलने के योग बनेंगे, आपके रिश्ते बहुत ही शानदार होंगे, आपकी नीतियां बहुत ही अच्छी होंगी, आपके जीवन की तकलीफों को यहाँ पर शुक्र कम कर देंगे। आप सफलता पाने के लिए सरल और अच्छा रास्ता चुनेंगे और जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। परिवार के साथ लाभकारी जीवन बिताएंगे, परेशानियों का अंत होगा, सूझबूझ के साथ सभी काम करेंगे। विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से अच्छे लाभ की संभावना है, आपके पुराने घाटे पूरे हो जाएंगे, आपके पुराने दिनों के इन्वेस्टमेंट्स का लाभ मिलेगा, पैसे का रोटेशन होगा, क्वालिटी टाइम आप परिवार वालों के साथ और अपनों के साथ बिताएंगे, संतान का सुख मिल सकता है, सांसारिक सुखों में वृद्धि होगी, कर्ज मुक्ति से आपको राहत मिलेगी, कुछ बढ़िया लेने के लिए पैसा होगा, कुछ बढ़िया करने के लिए दिमाग होगा। एक बढ़िया समय जिसका इंतजार आपको शायद पिछले कुछ महीनों से था, भोलेनाथ की कृपा से वो वक्त आ गया है। तीसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब शुक्र और शनि की युति होगी। इसमें लगभग लगभग आपके मन की सभी पूरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तो पूरे महीने आपको शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। स्त्री का सुख मिलेगा, धन का सुख मिलेगा, संपत्ति का सुख मिलेगा, सभी प्रकार के भौतिक व आर्थिक सुख मिलेंगे और शानदार जीवन होगा।
आप जो चाहते थे आपको वो मिलेगा। शुक्र और शनि की दशा या महादशा या अंतरदशा जिन भी जातकों को चल रही है और उनकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में है ग्रह, तो आपके लिए माला माल करने वाला वक्त होगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी और आपको शानदार फलों की प्राप्ति होगी। शुक्र और शनि आपको बहुत नहीं अत्यधिक धनवान बनाएंगे और आनंद की प्राप्ति करवा देंगे। बात करेंगे चौथे शुभ संकेत की। सूर्य देव 15 तारीख के बाद मीन राशि में होंगे नवम भाव में और आपके लिए यह स्थिति शानदार होगी। आप भाग्यशाली होंगे, आपको परिवार का साथ मिलेगा, एक अच्छा परिवार होगा, बच्चे आपके सहयोग करेंगे, आपका पिता का भाग्य खुलेगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपके पास धन दौलत बहुत तेजी से वापस आएगा, आप सभी की मदद कर पाएंगे और मदद वही इंसान कर पाता है जिसके पास कुछ हो, यानी आप सामर्थ्य होंगे। विदेश से संबंध जुड़ने के योग हैं। आपके स्वभाव में बढ़िया शानदार परिवर्तन होगा, बढ़िया लोगों से मिलना जुलना होगा, यात्रा से लाभ होगा, जीवन में खुशहाली होगी, क्रोध से बचना होगा, घर और वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, सरकारी और अर्ध सरकारी कामों में सफलता प्राप्त होगी, आप सुखी जीवन बिताएंगे, प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो सफलता मिलेगी, नौकर चाकर वाहन का सुख मिलेगा। पांचवा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा 24 से 31 के मध्य में जब सूर्य और बुध का आदित्य योग बनेगा नवम भाव में और आपको प्रचंड बुद्धि मिलने वाली है। आप आत्म केंद्रित होंगे, सोच समझ कर हर फैसला करेंगे, एक अच्छे व्यापारी होंगे, आध्यात्मिक और दयालु होंगे, भाई बहन का साथ मिलेगा, साहस और बुद्धि से आप आगे बढ़ते हुए सभी काम कर लेंगे, बिक्री अच्छी होगी, दुकानदारी अच्छी चलेगी, ऑर्डर्स अच्छे आएंगे, मीडिया और फिल्मी दुनिया छोटे बड़े पर्दे से जुड़े लोगों को काम होगा, लेखन कार्य से जुड़े लोगों को लाभ होगा, आप अपनी प्रतिभा के अनुसार काम कर पाएंगे, आप दूसरों के गुलाम नहीं होंगे, अपने मन का काम करेंगे, यह वक्त बेहद ही शानदार है। आप अच्छे शिक्षित होंगे, अच्छे काम करने वाले होंगे, भाग्य का सपोर्ट प्राप्त करने वाले होंगे, परिवार का सुख आपके पास होगा, शत्रु हंता होंगे यानी शत्रु का विनाश करेंगे। सफलता के ये पांच शुभ संकेत आपके लिए बहुत बेहतर हैं। इसके अलावा चंद्र और मंगल का महाभाग्य योग भी बनेगा आपके मार्च के महीने में। इसके अलावा आपके जीवन में गज केसरी योग भी बनेगा, तो कुल मिलाकर आपके लिए यह महीना बहुत ही शानदार है, शुभ फलों की वर्षा होने वाली है। ईश्वर छोटे छोटे रास्ते दिखाते हैं, इन छोटे छोटे रास्तों पर चलकर आप बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है और आप समझदारी से काम लेते हैं इस वक्त में, यकीन मानिए मार्च का महीना यादगार होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा पहले दिन से ही आप पर बरसनी शुरू होगी। महाशिवरात्रि का पर्व है, होली का पर्व है, अनेक शुभ पर्व आएंगे, यकीन मानिए आपका शानदार हो सकता है वक्त अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाते हैं और ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों और संकेतों पर चलते हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए और यदि कोई समस्या कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी परेशानी का अंत जान सकते हैं। और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं और इसके साथ साथ आप सभी को होली की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जीवन आपका सुखी रहे, मधुर रहे और आप ऐसे ही आगे तरक्की करते रहें। इन सभी के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कोई समस्या है तो हम उसको हल करने का प्रयास कर सकते हैं। आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हरिओम, नमस्कार।